हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस दोनों तरीके से अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है। आप इंडिया में किसी भी सिटी, स्टेट, टाउन के रहने वाले हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है, बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास तौर पे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसमें आपकी अर्जेंट एंड इमीडिएट हायरिंग होने वाली है। 2 से 3 टाइप की वैकेंसीज है जो इसमें आउट की जा चुकी है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है और फ्रेशर है, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में आप आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, और इसमें आपके डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है। कैसे, किस बेसिस पे, आगे मैं आपको सारा बताऊंगी। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास तौर पे आपको ध्यान से समझना है अप्लाई कैसे करना है, जहाँ पे प्रॉपर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। सो आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे ना, तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे TCS की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आपने ज़रूर करना है। और इसके अलावा मैंने आपके लिए नया चैनल भी क्रिएट कर दिया है, यूट्यूब में टाइप करेंगे जॉब वैकेंसी अपडेट्स, ये चैनल आपको मिल जाएगा। मैंने इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लेटेस्ट वैकेंसीज को चेक करते हुए। तो हम बात करिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि TCS की तरफ से आ चुकी है। तो आपकी भी इसमें हायरिंग हो सकती है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, और प्रिपेयर कैसे रहना वो भी आगे आपको इसमें बताने वाले हूँ। सो इसमें पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है, मतलब कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है। कोई एप्लीकेशन फी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना होगा। तो 2 टाइप की वैकेंसीज है जिसमें आउट की जा चुकी है। सबसे पहले अगर आप TCS मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में अवेयर नहीं है, तो आपको बता दूं TCS के पास काफी सारे प्रोसेस होते हैं जो कि इनको अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है उनके बिहाफ पर कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सो इस तरीके से TCS वर्क करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, क्या एलिजिबिलिटी इसमें रहने वाली है, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम साइट पे ही चलते हैं, वहां पर चलकर बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मैंने इसी रिक्रूटमेंट का दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने पर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, लास्ट में आपको रिक्वायर्ड लिंक में पहला ही लिंक मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलती हूँ, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई कर लेना है। सो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट TCS की हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहाँ पे हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। खासतौर पर ये सेकेंड वाली पोस्ट है ना, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए, मतलब BPS के लिए, इसमें आप में से हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और एज अ फ्रेशर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। तो दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, दोनों का 1 by 1 मैं आपको बताऊंगी। आपने ध्यान से हर एक स्टेप को देखना है, उसके बाद किसी तरह का कोई डाउट भी आपके पास नहीं रहेगा, ना ही कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, और इसमें फिर आपको 100% रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। पहली पोस्ट जो आप देख पा रहे हैं IT के लिए, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। इसके लिए
ये सबसे पहले अगर अप्लाई करना है तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन मैं आपको सेकंड पे क्लिक करके अप्लाई करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं, खासतौर पर सेकेंड पोस्ट के लिए। फर्स्ट के लिए भी एलिजिबल होने वाले हैं, दोनों का आपको बता दें। तो पहले हम फर्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे आपको अपने पहले रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है। पहले आपको वर्बली बता देती हूँ, फिर आपको फिल करके भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए आपको नेम मेंशन करना है, जहाँ पे आपको अपना पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिस जो भी आप है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम मेंशन करना है। फर्स्ट नेम और सरनेम आपका यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप स्टार मेंशन किया हुआ है। मिडल नेम अगर आपका है आप मेंशन करो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करना है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कब आपने पास आउट की है वो सेलेक्ट करना है, आपकी नेयर कौन सा ऑफिस होता है TCS का वो सेलेक्ट करना है, वो भी आगे दिखाती हूँ आपको कैसे। उसके बाद एंटर पासवर्ड एज पर TCS पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड रखना है जो कि इनकी पॉलिसी के अंदर हो, वो भी बताऊँगी आगे किस तरह से। उसके बाद आपको री एंटर कर देना है अपना पासवर्ड। उसके बाद सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चंस की ऑप्शन आएगी, आंसर आपको उसका देना है, कैप्चा कोड डालकर सिंपल आपको सबमिट कर देना है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्म फिल करके बता देती हूँ। सो जो डिटेल्स मैंने आपको अभी बताई है वो एज इट इज़ हमने फिल कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन करना है, लास्ट नेम मेंशन करना है, मिडिल नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करना, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा, इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करना है, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जब भी आपने पास आउट की है वो सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था आपके नियर TCS का कौन सा ऑफिस है, तो जो भी आपके नियर बाय है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है, उसके बाद री एंटर करना है उस पासवर्ड को। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन की, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, सो इसका अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई करना होगा, जहाँ पे आप ऑब्वियसली इंडियन लिखोगे। उसके बाद व्हाट इज़ योर पेट्स नेम, व्हाट इज़ योर पोस्टल कोड, व्हाट इज़ योर फर्स्ट फोन नंबर, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर बर्थडे, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है व्हाट इज़ योर बर्थडे, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे जो भी आप कैरेक्टर स्पेशल देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैप्चा कोड ही है ये, तो वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब ग्रीन ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सबमिट के लिए, अब यहाँ पे हम सबमिट के लिए क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने रजिस्टर मेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर मेंशन किया है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कंफर्म करना होगा अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी रेफरेंस आईडी आ जाएगी, जो कि आपने सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है TCS के साथ, ये आपकी रेफरेंस आईडी है, ये आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, इवन आपके पास मेल भी आ जाएगी। अब आपने देखा जैसे ही सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है तो आप इसको बैक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लॉगिन जब हो जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन भी आ जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे बैक बटन प्रेस किया है तो हम ऑलरेडी जो इनका होम पेज है वहीं पे आ चुके हैं। अगेन आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि IT की ऑप्शन है ग्रीन वाले पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अब सोच रहे हो कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर ली तो फिर ये फॉर्म क्यों हमने ओपन किया, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में यहाँ ऑप्शन आप टॉप में देख पा रहे हैं ना लॉगिन की, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे मांग रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इंडिया, तो यहाँ पे अपनी आपको ईमेल आईडी या फिर रेफरेंस आईडी मेंशन करनी होगी, जो मैंने आपको दिखाई थी, आपके पास प्रॉम्प्ट भी आएगा, ईमेल के थ्रू भी आपको रेफरेंस आईडी आपके पास ईमेल पे भी आएगी। अब जो पासवर्ड आपने रखा था वो यहाँ मेंशन करके सिंपल आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाएंगे तो ये वाला फॉर्म है वो जो ओपन हो जाएगा आफ्टर लॉगिन, जो मैंने आपको पहले बताया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म की, हाउ टू अप्लाई के लिए गाइडलाइंस भी है जो मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी भी। उसके बाद ट्रैक माई एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया उसका आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपने अप्लाई किया था, उस एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहाँ तक प्रोसीजर पहुंचा है, खुद से आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे ना अपनी
लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब इस फॉर्म को हमने फिल करना है यहाँ पे नियर बाय आपके जो भी ऑफिस है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। अब जो डिटेल्स मैंने पहले मेंशन किया है वो ऑलरेडी यहाँ से इन्होंने पिक कर लिया है, जो नहीं मेंशन किया है वो मुझे यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया आपको अपना फादर नेम मेंशन करना है, ऐसा भी यहाँ पे इन्होंने स्टार मेंशन किया तो मैंडेटरी चीज़ है ये, पहले हम फिल कर लेते हैं। सो आपने देखा मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ फिल कर दी है, जो जो यहाँ पे अभी फिल करनी थी, जैसे कि फादर नेम। उसके बाद अपना आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि आपका एड्रेस है या जो लैंडमार्क है, साथ में स्ट्रीट क्या है, पिन कोड एज इट इज़ मेंशन करना है। कंट्री पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी इंडिया की, और यहाँ पे रोड स्ट्रीट आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं आर दी परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम, तो यहाँ पे आप अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम आप येस कर देना। अब नेक्स्ट हम या तो सेव कर सकते हैं या सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको बाद में आधा फॉर्म फिल करना है तो आप सेव करके रख लेना, नहीं तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट डिटेल्स हमारे फिल हो चुके हैं, यहाँ पे ग्रीन साइन ऑलरेडी लग चुका है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जिसके लिए हमें यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स आपको चेक करते जाना है जो आपने पहले यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं स्पेशलाइजेशन की, जिससे भी आपको है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्पेशलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देख पा रही है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है टोटल मैक्सिमम मार्क्स पे, यहाँ पे मैंने मार्क्स मेंशन कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर डिटेल्स, थोड़ी बहुत आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डेक्लेरेशन, मतलब जो आपने फॉर्म फिल कर दिया उसको आप रिव्यू देख पाएंगे और डेक्लेरेशन देनी है आपको, लास्ट में साइन आपको टिक करके सिंपली सबमिट कर देना है। सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा इस जॉब के लिए, आपको ईमेल भी आ जाएगी। सो इसी तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ये तो है पहली जॉब। अब सेकंड जॉब का भी इसी तरह से प्रोसीजर है। बीपीएस पे जैसे आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में, इसके लिए आप में से हर कोई एलिजिबल रहने वाला है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पोस्ट के लिए बताया है, ऐसे ही इसके लिए आपको लॉग इन हो जाना है। हर एक प्रोसीजर सेम आपका रहने वाला है। सो नेक्स्ट इसमें बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब आप में से जो कैंडिडेट इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे इनविटेशन ईमेल आने वाली है रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जाम, आज आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आई है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए।